वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोटीन टॉक्स। लेकिन इस बार का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी। तो पीपल कीप ऑन सेइंग कि कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की। आई नो डेफिनेटली दैट इज द की, बट डेफिनेटली यू नीड चेंज इन दैट कंसिस्टेंसी। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी बहुत कॉमन रहेगी तो आप प्लेटियो हिट करोगे, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके वर्कआउट रूटीन में और आपके डाइट रूटीन में आपको प्लेटियो हिट करना है। सो उस प्लेटियो के बाहर निकलने के लिए या फिर उस कंसिस्टेंसी को और मैक्सिमाइज करने के लिए यू नीड टू ब्रिंग दैट चेंज। लेकिन वो चेंज तुम इनकॉर्पोरेट कैसे करोगे, आज के वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने डाइट रूटीन को एक लंबे समय के लिए फॉलो कर सकते हो विदाउट बीइंग इनकंसिस्टेंट। तो बेसिकली हम फोकस करेंगे मोर ऑन द मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी रादर देन बीइंग कंसिस्टेंट। सो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज़ को फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली आप उसे एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, मैक्सिमम तीन महीने के लिए फॉलो करोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको कि ये आपको आपके नेक्स्ट दो साल के लिए फॉलो करना है, अगर आपको मैक्सिमम गेन चाहिए तो, एंड उस दो साल को फॉलो करने के लिए आप रोज सेम चीज़ उठ के नहीं खा सकते हो, आप वो सेम रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हो, आपको चेंज की ज़रूरत पड़ेगी। एंड वो चेंज आएगा कैसे? वो आएगा आपके हैबिट्स की वजह से, वो आएगा आपके लाइफस्टाइल की वजह से। जैसे ही आप इन चीज़ों के अंदर अपना एफर्ट डालोगे, अपना ध्यान उस तरफ ज़्यादा फोकस करोगे, अपने आप आपको गेन दिखने लग जाएंगे। जब भी आप चीज़ों को देखोगे एक बड़े डायमेंशन में और या फिर एक बड़े पिक्चर में, तभी आपको रियलाइज होगा कि आप जो कर रहे हो ना, वो सिर्फ एक 5% के लिए कर रहे हो जिस हिसाब से आप सोच रहे हो। लेकिन आपको सोचना है उस 100% के लिए, एंड उस 100% की सोच आपको अभी से नहीं आएगी, वो आपको ओवर द टाइम विद द एक्सपीरियंस आने लगेगी, एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वीक के लिए सेम चीज़ें रोज़ खा रहे हो, आई नो डेफिनेटली वो बोरिंग हो जाएगा। यू नीड ब्रेक्स, यू नीड रिफीट डेज, यू नीड रिकवरी, यू नीड टू हील। तो ऑन दिस बेसिस आप आगे जाके और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो। अभी मैं अपने पूरे वर्कआउट रूटीन में एक दिन रखता हूँ जहाँ पे मैं रेस्ट करता हूँ, विच इज़ संडे। रेस्ट मतलब वो थोड़ी एक्टिव रेस्ट होती है। आई गो फॉर वॉक शाम को, जहाँ पे मैं अराउंड 10,000 और 15,000 स्टेप्स चल रहा हूँ। सो द थिंग विद दिस इज़ कि ये सारी चीज़ें ना आपको देखने मिलेगी। सो व्हेन इट कम्स टू डूइंग ऑल दिस थिंग्स, आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंकिंग बिहाइंड दैट बिफोर ईटिंग एनीथिंग। द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ कि जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट्स डालने वाले हो, थिंक बिफोर पुटिंग दोज एफर्ट्स। क्योंकि अगर आपको उस चीज़ से आउटकम आगे जाके नहीं मिलेगा, तो उस एफर्ट्स की कोई उस एफर्ट्स का कोई मतलब नहीं बनेगा। टू गेन सक्सेस इन दैट लॉन्ग टर्म गेम, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ चेंज भी लगेगा। क्योंकि अगर वो चेंज नहीं रहेगा, आप बोर हो जाओगे, एंड बोर होने के बाद आप वो चीज़ों को छोड़ दोगे, इवेंचुअली वो आपके पास्ट में बदल जाएगी, एंड वंस इट बिकम पास्ट, उस पास्ट को वापस खींच के प्रेजेंट में लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इट इज़ बेटर कि आप चेंजेस के साथ आगे बढ़ो, ताकि आपको कंसिस्टेंसी भी मिले, आप जल्दी बोर नहीं हो जाओ, एंड यू कैन प्ले दैट लॉन्ग टर्म गेम वेरी प्रॉपरली विथ मैक्सिमम गेन्स। अभी मैं जब गेन्स की बात करता हूँ, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फिजिकल गेन, मेंटल गेन, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, साइज, एस्थेटिक्स, एवरीथिंग विच हैज़ टू डू विद फिटनेस। सो आई होप कि आपको मेरा मैसेज पहुँच गया रहेगा। I might have been little elaborate about this or not firm about my words right now, but yeah, definitely I think कि मैंने अपने own words में इसको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। Definitely see you in the another episode of Protein Talks. This is Ashkashit, signing off.